लेके, शाहरुख से लेके राजेंद्र कुमार, बाप बेटे, बेटे बॉबी सनी सबको डांस कर दी। ये बेटा मेरा मिला लेके रवि किशन जी ने, लाल यादव, केसारी, हमारे इसमें एक भी विलन के सामने आइटम, ये पिक्चर में एक भी आइटम कम वैसा नहीं है। हमारे यहाँ हीरो को लिंक भेजते हैं, बिल्कुल साफ सुथरे गाने, बहुत अच्छे गाने जब परिवार के साथ बैठ कर देख सकते हैं। वो दो गाने जो हमने शूट किए हैं, एक हमने पायल रोहतगी को लेकर आइटम सॉन्ग शूट किया हिंदी का, वो भी बहुत अच्छा लेविश शूट किया, और एक हमने सेलिब्रिटी वाला सॉन्ग किया शादी का शूट, उसमें काफ़ी सारे फिल्म था, 4-5 विलियन डाले हैं, 4-5 आइटम परफॉर्मेंस डाली, एक्ट्रेस डाली हैं, 4-5 कमेडियंस डाले हैं, जो एक अच्छा आपको देखने में अच्छा लगेगा। जैसे एक बार ओम शांति ओम में गाना आया था, काफ़ी सेलिब्रिटी डाले थे, तो हमने हमारी हिंदी फिल्म तो नहीं लेकिन भोजपुरी, तो भोजपुरी इंडस्ट्री साफ सुथरी एक अच्छी कॉमेडी फिल्म है, जिसमें एक लड़का घर से बिगड़ा हुआ है और मतलब लाड कर बहुत बिगड़ा हुआ है, लेकिन उस परिस्थिति ऐसे बदलती है कि उसको अपनी जिम्मेवारी का एहसास होता है लाइफ के टूवर्ड्स, तो उस तरीके से आपको स्टोरी देखने का है। शुरू में कृष्णा एक ऐसा करेक्टर है जो एक मस्त मौला है, उसको सिर्फ अपना अय्याश पे ध्यान देता है, उसको पढ़ाई पे ध्यान नहीं है, उसके फादर उसको फोर्स करते हैं कि अपनी लाइफ के लिए सोच, लेकिन नहीं सोचता है, तो एक टाइम पे आके वो कुछ ऐसा कदम उठा लेता है कि उसके पूरे परिवार को दिक्कत आ जाती है। तो उस तरीके से जब वो गीता आती है, वो उसको कैसे समझता है, उसके बातों में आके उसको वो कैसे समझाती है कि तुम अपने लाइफ को किस तरह से अच्छे से कर सकते हो, तो उस तरीके से इमोशन कैसा चेंज होता है, यहाँ ड्रामा कहाँ आता है, ये आपको पिक्चर में देखने मिलेगा। अल्फा का मतलब तहलका, जब वो आई तो मेरी लाइफ में कैसे तहलका मचा और मैं कैसे चेंज हुआ, वो आपको देखने मिलेगा। तहलका मतलब अल्फा। कौन गई अल्फा मचा के? शिप्रा गई, शिप्रा गौर जो हमारी हीरोइन है, उसने तहलका मचाया लाइफ में। अच्छा, किस तरीके की फिल्म है, अपने बारे में? एक रोमांटिक कॉमेडी है विद अ गुड मैसेज, कि आप किस तरीके से लाइफ में अपने माँ बाप के प्रति आपको उनके इमोशंस को समझना बहुत ज़रूरी है, उस तरीके की पिक्चर। लगता है कि पूरे देश के ऑडियंस को फिल्म अट्रैक्ट कर पाएगी, क्योंकि जिस तरीके की फिल्में पिछले 5-6 साल में भोजपुरी में आ रही है, एक सीमित दायरे तक सिमट गई है इंडस्ट्री। मैं वही जैसे हमने बोला है कि हमने कोशिश करी है कि लोग उस तरीके से पिक्चर देखें, और एक फैमिली ड्रामा देखना बहुत ज़रूरी, क्योंकि भोजपुरी में मेरे हिसाब से पप्पू सर ऐसी कोई पिक्चर आई नहीं है फैमिली ड्रामा टाइप, तो इसी तरीके से हमने कोशिश करी है कि एक ऐसी अच्छे मैसेज का पिक्चर बनाए। अच्छा, दिल्ली में जनरली जितने भी सिनेमा हॉल हैं जो बंद होने के कगार पे हैं, उस पे देखने में लगता है कि भोजपुरी फिल्म लगी और उस पे एक अलग ही कैटेगरी पहुंचती है वहां पे देखने के लिए, तो लगता है कि ये सिनेमा देखने के लिए भी यहां पे दिल्ली में जगह मिलेगी इसे। इनका सवाल है कि सिंगल स्क्रीन जिस तरीके से बंद हो रहे हैं, वहां पे लोगों को देखने को मिल जाता था भोजपुरी फिल्म, लेकिन अब वो चीज़ भी धीरे धीरे खत्म हो रहा है, इसे कैसे देखते हैं? आने वाले टाइम में आप देखोगे ये पिक्चर, आप देखोगे दिल्ली के जमुना पार्क सिनेमा हॉल में देखोगे, जो सिंगल स्क्रीनिंग की, मल्टीप्लेक्स की पिक्चर तो है नहीं जो यहाँ पे लगेगी, सिंगल स्क्रीनिंग अब जमुना पार्क में है, आपके वेस्टर्न यूपी, ईस्टर्न यूपी, वहाँ पे आप देखोगे पिक्चर को। फिल्म की शूटिंग कहाँ की? फिल्म की शूटिंग हमने हलूल में की थी गुजरात में, और बाकी हमने 4 गाने हमने बॉम्बे में शूट किए, 2 नंदनवन में किए थे, 1 फिल्मिस्तान स्टूडियो में किया था और 1 आरडी स्टूडियो में किया था बार बार गाना। किस तरीके के गाने हैं या फैमिली वाले जो ऑडियंस हैं वो एक साथ देख पाएंगे फिल्म को, इस तरीके के गाने, इस तरीके के डांस मूव्स हैं इसमें? 100% पूरी फैमिली देख सकती है इसको, आराम से देख सकती है, कोई वल्गरिटी नहीं गाने में, और गाने में हमारे सुपरस्टार सब पुराने, जैसे रंजीत हो गए, प्रेम चोपड़ा, और हमारे रजा मुराजी, कॉमेडियन सुनील पाल, काफ़ी इतने आर्टिस्ट थे, तो हमारे सब पुराने टेक्नीशियन साथ मिलके एक नया चीज़ की है, और वो गाना टाइटल सॉन्ग है अल्फा मचा के गई, तो उसमें ऑडियंस बहुत इन्जॉय करेगी, शादी का गाना है। और सेकंड हमारा गाना है पायल रोहतगी का, उसने भी कमाल किया, कमाल आर्टिस्ट है, और संभावना का गाना, संभावना तो हमारी बेटी है, उनके साथ उसको इंट्रोड्यूस मैंने किया था भोजपुरी में, तो उसने भी कमाल गाना किया, मतलब सब आर्टिस्टों ने मेहनत की है पिक्चर में, मगर किधर भी आपको वल्गरिटी नहीं, पूरी ऑडियंस जाके देख सकती है, हमारी गारंटी है। एक कहावत है कि अगर गाने हिट तो फिल्म सुपर हिट, और इस फिल्म के 2-3 गाने ऐसे हैं जो कि लोग बहुत सुन रहे हैं, तो इस चीज़ को कैसे देखते हैं? बस हम तो चाहते हैं गाने से पिक्चर हिट हो जाए, पिक्चर का सब्जेक्ट भी अच्छा है, इसकी कहानी अच्छी, कॉमेडी है, पूरी फैमिली ड्रामा है, प्लस
क्लाइमेक्स में जाके एंड में आपको समझ में आएगा पिक्चर क्या है, कैसे लड़की के साथ क्या होता है, फिर कैसे लड़की चेंज करवाती सबको। तो वो सबसे बड़ी बात ये पिक्चर में, पब्लिक एंड में क्लैप मारेगी 100%, ये मेरी गारंटी है।